दोस्तों ठंडी आ चुकी है और आप लोगों को पता ही है कि यार हमारे जो गरीब भाई होते हैं वो कितने ज्यादा परेशान होते हैं। उन लोगों के पास में इतना सारा पैसा नहीं होता है कि वो मार्केट जाकर वाटर हीटर या फिर अमेरिकन रोड खरीद सके ताकि यार वो अपने पानी को गर्म करके नहा सके। तो भैया यार मैंने सोचा यार हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी वीडियो को बनाते हैं लेकिन यार ऐसी वीडियो कोई नहीं बनाते जिससे हमारे गरीब भाइयों की हेल्प हो। तो दोस्तों ये है मेरे पास में एक प्रेस का यानी कि आयरन का एलिमेंट जो कि यार पूरा का पूरा वाटर प्रूफ होता है। अगर इससे हम लोग एक हीटर ही बनाए तो इससे क्या होगा कि हमारे जो गरीब भाई हैं वो अपने घर पे बड़े आसान तरीके से पानी को गर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए किस तरीके से बनाना आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। और सिर्फ ये हमारा जो रूम हीटर ये बनने वाला है सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए में, 30 रुपए के अंदर काफी अच्छी तरीके से उसको हम बना सकते हैं। आइए किस तरीके से बनाना, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे आपको काफी ज्यादा मजा आएगा और आप भी बोलोगे आरिस भाई यार आपने एकदम से बिल्कुल नई चीज बना दी। तो पहले मैं इसके अंदर आपको दिखा देता हूं तब आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। तो यहां से मैं कुछ इस तरीके से उसको ओपन कर लेता हूं, आपको भी सेम मार्केट के अंदर ये 25 से 30 रुपए का आसानी से मिल जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह का एलिमेंट आता है जो कि आपको बड़े आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। तो आपको करना है क्या है कि आपको बस इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है फिर बना सकते हैं। तो आइए किस तरीके से बनाना चलते हैं फटाफट से। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो भैया वीडियो को लाइक करते रहना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आप लोगों के लिए हम इतनी ज्यादा अच्छी हाई टेक्नोलॉजी वीडियो लाते रहते हैं। तो चलो फटाफट से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए फिलहाल हमें वाटर हीटर बनाने के लिए इस तरह का एलिमेंट चाहिए होता है जो कि यार किसी भी इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे किसी भी लोकल भी मार्केट में आराम से मिल जाता है। और बाकी इस तरह का एक देखिए आता है एक बॉन्ड टाइट जो कि यार हम किसको कहीं भी आराम से किसी भी हार्डवेयर की या फिर किसी इलेक्ट्रिशियन दुकान पर आराम से ले सकते हैं जिसको हम लोग एम सी भी बोलते हैं और कहीं भी आप इसको लोकल में आराम से ले सकते हैं। और साथ में इस तरह की एक वायर की जरूरत पड़ने वाली जिसमें हमने पहले यहाँ पे प्लग को बांध के रख लिया है जो हमारे हर वीडियो में काम में आता है। ये देखिए इस तरह के दो वायर हैं और सिंपली इस तरह के वायर से हम बनाने वाले हैं बड़े आसान तरीके से इसको। तो आइए किस तरीके से बनाना आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, सब चीज़ों को मिला के आपको काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। तो चलो फटाफट से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप बस इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ करना क्या, ये देखिए सबसे पहले हमें इस तरह का एलिमेंट लेना है और एलिमेंट लेने के बाद यहाँ पर करना क्या होता है कि ये जो हमारे दो लैग होते हैं जहाँ पे छोटे छोटे से पेज दिख रहे हैं, ये देखिए मैं आपको कैमरे दिखाने की अच्छी कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए तो आपको यहाँ पे करना क्या, आसानी से इस तरह के एक वायर को लेना है और यहाँ पे आसानी से यहाँ पे इसको बांध देना है। ये देखिए मैं आपको सेम तरीके से बता देता हूँ, यहाँ पे इन दोनों को इसमें बांध देना है। तो चलो मैं एक बार इसको बांध लेता हूँ फिर आपको उसके बाद दिखाता हूँ। फिलहाल मैंने कुछ इस तरह से वायर को बांध दिया है, ये देखिए तो आपको आसानी से इसमें दिखता होगा मैंने इस वायर को जो किस तरीके से बांधता है, तो आपको भी सेम टू सेम इसी तरह से बांध लेना है। ये देखिए मैं आपको काफ़ी अच्छे तरीके से कैमरे में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग उसको अच्छे से समझ पाए। ये देखिए ये वायर हमारी, तो आइए फिलहाल मैंने इसको बांध दिया, अब जरूरत पड़ने वाली इस तरह के एमसी की, ये देखिए जिसको हम लोग वॉन्टेड बोलते हैं उसको तो रख देते हैं साइड से। अब इसको निकालते हैं इस तरीके से निकालने के बाद, और यहाँ पर करना क्या होता है इसके, देखिए इसके अंदर हमारे दो इस तरीके की ये देखिए थैली निकलती है, इन दोनों थैलियों को यहाँ पे खोलना होता है। दोस्तों फिलहाल यहाँ पे देखिए मैंने इसको ओपन कर दिया, अब आप देख सकते हो यहाँ पे दो इस तरह की थैली निकलती है जो कि अलग अलग कलर की होती है, एक होती है हल्की सी ग्रीन कलर की और एक होती है ब्लैक कलर की। तो इसको करना क्या होता है कि दोनों को यहाँ पर निकाल के और आधी आधी ले लेना है। ये देखिए आपको पूरी नहीं लेना है, आधी आधी लेना क्योंकि पूरी का काम नहीं है हमारा, बस आधी आधी से काम चल जाएगा। तो ये देखिए फिलहाल मैं यहाँ पर आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको आधी को ले लिया है और आधी जो इसको ले लेते हैं, अगर बाद में जरूरत पड़ी तो हम थोड़ी सी और ले लेंगे, फिलहाल तो हमारा जो आधी में काम चल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे से इसको आधी ले लेता हूँ, ये देखिए फिलहाल हमने आधी आधी को ले लिया दोनों तरफ से। अब ये करना क्या होता है, इस दोनों को हमें मिक्स बनाना होता है। ये देखिए अच्छे तरीके से यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं, तो फिलहाल मैं यहाँ पर मिक्स कर लेता हूँ उसके बाद आपको दिखाता हूँ। देख सकते हो यहाँ पर दोनों जो हैं काफ़ी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी हैं। ये देखिए तो अब करना क्या होता है, ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर ये जो हमारे तार दिख रहे हैं इसके ऊपर अच्छी तरीके से यहाँ पे लगा देना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे आधी आधी कर लेता हूँ, ये देखिए मैंने आधी यहाँ पे करके और डब्बे के ऊपर रख दिया है, तो अब इसके ऊपर लगा देते हैं। ये देखिए आधी आधी लगाना ताकि यार हमारा जो करंट है वो पानी के अंदर ना आए। तो चलो मैं यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से लगा देता हूँ और आपको भी सेम टू सेम इसी तरह से अच्छे तरीके से लगा लेना है। तो चलो मैं एक बार लगा लेता हूँ उसके बाद आपको दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखिए फिलहाल काफ़ी देर की मेहनत के बाद और काफ़ी अच्छी तरीके से हमने इसको लगा दिया यहाँ पे, तो आपको भी सेम टू सेम इसी तरह से लगा देना। तो आप इसको रखते हैं लगभग 2 से 3 घंटे के लिए धूप में सूखने के लिए, उसके बाद आपको फिर इसकी टेस्टिंग दिखाते हैं और ये हमारा जो कितनी अच्छी तरह से पानी को गर्म करता है वो दिखाते हैं। तकरीबन दोस्तों 3 घंटे हो चुके हैं, 3 घंटे के बाद मैंने इसको जैसे ही देखा वो आप देख सकते हो हमारी जो एमसी थी वो कितनी अच्छी तरह से ये देखिए बिल्कुल एकदम पत्थर बन चुकी है। तो आइए अब हम ये इसको टेस्टिंग करते हैं, आपको दिखाते हैं ये जो हमारा होममेड वाटर हीटर है वो कितनी ज्यादा अच्छी तरीके से पानी को गर्म करता है। तो चलो फटाफट से अब इसकी टेस्टिंग करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने फिलहाल पानी को भर लिया है, अब वहाँ पे देखिए मैंने अपने स्विच को जो ऑफ कर दिया, अब ये है हमारा होममेड देसी जुगाड़ वाटर हीटर। ये देखिए बड़े आसान तरीके से उसको बनाया, तो आइए अब इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो मैं फिलहाल इसको उसके अंदर इस तरीके से डाल देता हूँ, ये देखिए पूरा का पूरा वाटर प्रूफ है, आप इसको और कहीं भी आराम से डाल सकते हैं, इसमें करंट का कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग उसकी सेफ्टी का ध्यान रखें। तो फिलहाल मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, मैं आपको पानी का टेम्परेचर दिखाता हूँ कि नॉर्मल पानी का टेम्परेचर कितना है। तो यहाँ पे देखिए ये है हमारे पास में टेम्परेचर मीटर, तो फिलहाल यहाँ पे मैं नॉर्मल पानी का आपको टेम्परेचर दिखा देता हूँ। ये देखिए मैं भी इसके अंदर पानी के अंदर इस टेम्परेचर मीटर डाल देता हूँ। ये देखिए फिलहाल नॉर्मल हमारा जो पानी का टेम्परेचर है वो है यहाँ पे 23 डिग्री। ये देखिए फिलहाल मैं इसके एक बार नॉर्मल आपको दिखा देता हूँ कितना रहने वाला, ठीक है।
तो यहाँ पे 23 से 35 डिग्री के आसपास लगभग, 23 से 24 डिग्री मान चलो, तो यहाँ पे 24 डिग्री है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसको जो है ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने रख दिया अपने टेम्परेचर मीटर, यहाँ पे अपने कर देता हूँ एलिमेंट को ऑन, देखते हैं हमारा जो पानी कितनी देर में गर्म हो पाता है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे अपने एलिमेंट को ऑन कर दिया है, धीरे धीरे हमारा पानी गर्म होने लगा है। ये देखिए पानी के अंदर से हमारे बुज्जी आने लगे, तो आइए अब देखते हैं कितनी देर में हमारा जो पानी गर्म हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए तकरीबन 1.5 मिनट हो चुका है, हमारा पानी जो है काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है। ये देखिए आपको शायद कैमरे में दिखा रही है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए मैं हल्का से इसको जूम कर दिखाता हूँ, आपको देख सकते हैं पानी के अंदर जो बुज्जे से आने लगे। ये देखिए मैंने कैमरे को थोड़ा जूम कर दिया, आप देख सकते हो हमारे पानी के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से बुज्जे आते हैं। चलो इसको हम जूम को थोड़ा कम कर देते हैं और फिर आपको इंतजार करते रहते हैं। और हमारा पानी जो इस टाइम 26 सेल्सियस डिग्री गर्म हो चुका है, तो आइए फटाफट से कब तक गर्म हो पाता है हम आपको वेट करते रहते हैं। और दोस्तों सबसे अच्छी खासियत इसके अंदर ये, आपके घर में लाइट हो या ना हो, आप इसको इन्वेटर से भी पानी गर्म कर सकते हैं। अगर आपके घर में इन्वेटर है और आप इमरजेंसी इन्वेटर से पानी गर्म करना चाहते हैं, तो आप इन्वेटर से भी पानी गर्म कर सकते हैं, इससे बड़े आसानी से इन्वेटर से भी पानी गर्म हो जाता है। दोस्तों फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, 15 मिनट के अंदर हमारा जो है 40 के आसपास पानी गर्म हो चुका है। ये देखिए दोस्तों नहाने के लिए 39 से 40 डिग्री पानी बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो फिलहाल अगर हम इसको ज़्यादा देर तक लगा रहे हैं तो हमारा पानी 100 डिग्री गर्म भी हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा, और आपको ये हमारी राड जो है, ये देखिए मैं पहले स्विच को बंद कर लेता हूँ, और हमारा पानी जो काफ़ी अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। ये देखिए तो आपको ये जो है राड काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी, एमरसन राड। ये देखिए आप धुआं भी आपको दिखता होगा किस तरीके से धुआं निकल रहा है। तो दोस्तों आपको ये राड हमारी कैसी लगी, कैसा लगा हमारा एमरसन राड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से कर दें। मिलते हैं तब तक के लिए किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेटो पर। सब जय हिंद, जय भारत।